हेलो गाइस, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं स्टडीज पाकेट चैनल को। और आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। तो इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, अगर आप 9th में जाओगे या 10th में जाओगे। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पा सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और इस महीने के अंदर अंदर सारी की सारी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और तो और साथ में अब मैथ्स की मैं अपलोड करूँगा। तो अब वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम कुछ सेशंस में डिवाइड कर रखा है हमने, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और शॉर्ट 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स वाले। ये जो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, चैप्टर नंबर 1 का ये। तो स्टार्ट करते चलिए। तो वेट अ सेकंड, यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो नहीं ये वाला मार्कर नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी गाइज, ये मार्कर नहीं चाहिए। अभी चेंज करते हैं मार्कर, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं अपना। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सॉरी अब हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन और ये अपना थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अपना, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 और 5th, दोनों इनमें से 6 क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और कैटलिस्ट ये जो दे रखा है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। मैं इक्वेशंस बैलेंसिंग का नहीं दूंगा, ये आपको आती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये ग्रैनुअल वाला जो है, एज अ वो लास्ट क्वेश्चंस में आता ही है। 17th क्वेश्चन, ये भी लास्ट क्वेश्चंस में से आता है। 19th लास्ट क्वेश्चन का मीनिंग है 2 मार्क्स वाले जो फाइनल लास्ट पार्ट में आते हैं, सेक्शन बी में आते हैं। रेडॉक्स, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग भी आप तैयार करना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप्स की, जो कि 2 नंबर वाले हैं। तो उनमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 पहले थर्ड वाले की बिल्कुल सेम है। और अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां नहीं, 6ठा नहीं, 7वां नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 और ये 13 भी। 14 क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शनल है, इसको आप तैयार करो या ना करो, लेकिन ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये इस तरीके का है कि आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। और लॉन्ग आंसर और 3 मार्क्स वाले, सिर्फ यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये तीनों आ चुके हैं, तो इन तीनों को ही आपको तैयार करना है। और ये सारे जो इतने भी क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं, इनको आपको तैयार करना है, क्योंकि जनरली इन्हीं में से आएंगे। और अगर इनको आप तैयार कर लो, तो ज़्यादातर आप देखना कि इनमें से घुमा के ही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, वो आप जानते ही हो, जैसे कि बैलेंसिंग या फिर इक्वेशंस के नाम वगैरह वगैरह, ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पा सकें सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।